हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेंज फॉर जीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल चेंज फॉर जीवन में। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डिफरेंट सेक्टर, एक अलग सेक्टर के ऊपर आज मैं बात करूंगा, एंड दैट इज रूरल इंडस्ट्री या रूरल मार्केट के ऊपर आज हम लोग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ये पीयूसी में है, बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए में है। जितना भी आप फर्दर एजुकेशन करना चाहोगे इसके ऊपर आपको सिलेबस मिलेगा ही मिलेगा। सो वॉच द वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो वीडियोज लेके आ रहे हैं ना, ये ताबड़तोड़ वीडियोज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सिलेबस रिलेटेड है उसके वीडियोज हम लोग बना रहे हैं। So today, why this rural market I am going to discuss is, बहुत ज्यादा इसका महत्व आ चुका है आज, क्योंकि we all know that still in India, majority of our population still lives in the rural market. आज भी हमारे देश की बहुत ज्यादा आबादी कहाँ पे होती है, रूरल मार्केट में आज है। तो what is happening because of heavy competition, बहुत ज्यादा आज competition है कहाँ पे, अर्बन मार्केट में। That's the reason lot of companies are shifting to the rural market. There is a sentence that is called as go rural. इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आज, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सिटी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से what they are doing, they are shifting to the rural market. And we all know how big the rural market is. Statistics says कि बहुत ज्यादा population, आज भी हमारी ज्यादातर population कहाँ पे होती है, विलेजेस में होती है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट दैट इजी सेलिंग कमोडिटीज इन टू द अर्बन मार्केट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज, एंड सेलिंग द कमोडिटीज इन टू द रूरल मार्केट इज अगेन अ डिफरेंट चैलेंज। प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन टू द रूरल मार्केट्स आर डिफरेंट, प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड इन टू द अर्बन मार्केट आर कंप्लीटली डिफरेंट। द लाइफस्टाइल इज डिफरेंट इन टू द बोथ द मार्केट्स, इनकम पैटर्न्स, इनकम लेवल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों का बहुत अलग अलग। तो एक कंपनी के लिए उतना ईजी भी नहीं है कि अर्बन मार्केट में करते करते आप लोग रूरल मार्केट में जाओ और प्रोडक्ट को सेल करना, इट इज नॉट दैट ईजी, बट करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है अर्बन मार्केट में। और यहाँ पर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप जाकर वहां पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो इसको अंडरस्टैंड करके बहुत ज्यादा कंपनीज क्या कर रहे हैं, दे आर दिस डेज फोकसिंग ऑन टैपिंग दिस रूरल मार्केट। But before I proceed, I want to read out what is the definition of rural market. So the rural market definition is something like this: rural marketing is a promotion of a company's products in the rural market by using strategies which differ from that of urban market. So जैसे मैंने कहा rural market में जाकर products को बेचना है, but not similarly like what are the strategies that you are using for the urban market. अगर same strategies अगर आप लेकर जाओगे तो भैया बुरी तरह से पिटोगे। तो the thing what you have to do if you are a businessman, आपको अलग तरीके से business यहाँ पे करना होगा, different strategies you need to use to communicate your product to the customer, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग customer आपको मिलेंगे, उनकी choices अलग मिलेंगे, उनका income levels अलग रहेगा, उनका टेस्ट अलग रहेगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या मार्केट है रूरल मार्केट, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उनकी नीड्स क्या है, कितना हद तक हो जाकर खर्चा कर सकते हैं। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, यू नीड टू स्ट्रेटजाइज आपके बिजनेस, आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस सक्सेस करता है उस एरिया के या उस मार्केट के लोगों के इनकम लेवल्स के ऊपर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो जब आप एक विलेज में जाकर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उस एरिया का इनकम लेवल क्या है और व्हाट आर द इनकम सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो विलेज में अगर आप जाओगे ऑल ओवर इंडिया, आपको एक ही इनकम पैटर्न मिलेगा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली दो तरीके से वहां पे इनकम पैटर्न होते हैं लोगों के, वन इज फार्म के थ्रू एंड अनदर वन इज नॉन फार्म सेक्टर। तो इन दो सेक्टर्स को यूज कर वो क्या करें, अपना लाइवलीहुड या अपना इनकम क्या करें, वो जनरेट करें। फार्म सेक्टर में आएगा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना, एग्रीकल्चर कर क्या करें, वो पैसा कमा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री से पैसा कमा रहे हैं, एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क कर वो पैसा कमा रहे हैं। नॉन फार्म सेक्टर में आएगा पावर लूम, हैंडलूम को यूज कर, रिटेलिंग को यूज कर क्या कर रहे हैं, दिस डेज दे आर स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क को कर क्या कर रहे हैं आज लोग, वो पैसा कमा रहे हैं। तो दिस डेज यू कैन से द इनकम लेवल ऑफ रूरल पीपल मे बी नॉट कंप्लीटली, थोड़ा बहुत क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। सो इट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनीज सो दैट दे कैन गो एंड सेल देयर कमोडिटीज। तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, people not only they are doing agriculture work but also they are slowly switching to other set of works also. Now I am going to tell why this rural market is important. It is also called as the scope of rural market. So the first point is large population. Bhaiya, large population attracts a lot of companies. Dekho, large population hone ki wajah se lot of companies are khinche chale ja rahe hain kahan pe, rural market ki aur, kyunki population hai, iska matlab hai consumption zyada hoga, requirement zyada honge, demand zyada hoga. So ye kya ho raha hai, automatically bahut zyada companies ko kya kar raha hai, khinch raha hai, apni taraf bula raha hai. Kaun bula raha hai, rural market bula raha hai ki aaiye aur yahan par products kar sakte hain aap, sell kar sakte hain. As I said earlier ki income pattern thode zyada होने की वजह से आज वो क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अर्लियर अर्बन मार्केट, थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है आज हम लोग उनको देखने को मिल रहा है। सो लार्ज पॉपुलेशन ऑलवेज इट्स एन अपील फॉर ऑल द कंपनीज, क्या करो आप लोग रूरल मार्केट में आ जाओ एंड स्टार्ट सेलिंग द कमोडिटीज। सो इट्स अ गुड साइन, ओके, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड इज द कंपटीशन इन अर्बन मार्केट। एज आई सेड भैया, अर्बन मार्केट में कंपटीशन भरी पड़ी है, कटथ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एवरी सिंगल सेक्टर में आप जाओ कंपटीशन, हर एक कमोडिटी को अगर आप स्टडी करो, हर एक कमोडिटी के लिए कंपटीशन है। सो दैट्स व्हाट कंपनीज आर डूइंग। यहां से निकलकर क्या करते हैं, थोड़ा अलग ट्राई करने के लिए दे आर गोइंग टू द रूरल मार्केट एंड वहां पे थोड़ा ट्राई कर रहे हैं समथिंग डिफरेंट, हो सकता है वहां पे उनके प्रोडक्ट सेल हो जाएं। सो दैट्स एन एडवांटेज दैट कंपनीज वांट टू यूज बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, मोर कंपटीशन इनटू द अर्बन मार्केट, दे आर स्लोली स्विचिंग टू द रूरल मार्केट। Next is increasing income. As I said earlier, they used to make their revenues only through agriculture works, but today क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा स्विच कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से निकलकर नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स कर क्या कर रहे हैं, थोड़ा इनकम ज्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, पैसा थोड़ा खर्चा कर रहे हैं। तो इट्स ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर द कंपनीज टू गो एंड सेल देर कमोडिटीज इन टू द रूरल एरिया। इनकम लेवल बढ़ने की वजह से इट इज एन बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कंपनीज टू गो एंड सेल देर कमोडिटीज। नेक्स्ट आएगा लाइफ साइकिल
एडवांटेज, प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल एडवांटेज, द प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ साइकिल एडवांटेज ऑफ अ कमोडिटी, द प्रोडक्ट्स विच आर देयर इनटू द सिटी मार्केट और उसका ऑलमोस्ट एक लाइफ खत्म हो चुका है, लोगों ने इसको खरीदना बंद कर चुका है क्योंकि लोग ऑलवेज इन द सिटी एरिया, प्रमोशन ज्यादा होने की वजह से, रीच ज्यादा होने से, ब्रांड कॉन्शियस ज्यादा होने की वजह से, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्विचिंग एवरी नाउ एंड देन, वन ब्रांड से अनदर ब्रांड को क्या करते हैं, स्विच कर रहे हैं, ऑलवेज दे ट्राई टू यू नो ट्राई समथिंग न्यू, हर बार क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड को टेस्ट करना, उनका एक क्या होता है यहाँ पे, दे लव टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इट इज ऑलमोस्ट यू नो इनटू द लास्ट स्टेज, जो उसका मार्केट यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट उस तरह के प्रोडक्ट्स भी क्या है वहाँ पर विलेज में नंबर वन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा मार्केट नहीं है, ब्रांड कॉन्शियस ही नहीं है, जो प्रोडक्ट बहुत सालों से यूज करते रहे उसी प्रोडक्ट को आज भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, सो यू नो विलेज में क्या हो रहा है, लोग यू नो इजिली स्विच नहीं करते अदर प्रोडक्ट्स के लिए और अदर ब्रांड्स को ज्यादा इमीडिएटली क्या नहीं करते, वो यूज कर नहीं करते, सो इट इज एन एडवांटेज, जो प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं सिटी एरिया में, बट स्टिल दोस प्रोडक्ट्स आर मेकिंग हाई रेवेन्यू कहाँ पे, इन द विलेज एरिया, सो एक एडवांटेज है जो कंपनीज क्या कर रहे हैं आज यूज कर रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज चेंज इन द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, एज आई सेड इनकम ज्यादा होने लगा, यार इनकम के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, इफ योर इनकम लेवल इंक्रीजेस स्टाइल इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपका ड्रेसिंग चेंज हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द रूरल एरिया, तो दिस इज अपीलिंग लॉट ऑफ कंपनीज टू कम एंड स्टार्ट डूइंग देयर बिजनेसेस इनटू द रूरल मार्केट, बिहेवियर चेंज हो रहा है इन एवरी सिंगल, खाने में ले लो, कपड़े में ले लो, पहनने में ले लो, इन एवरी सिंगल फैशन चेंज हो रहा है वहां पर, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, सो दिस इज यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कंपनीज टू गो एंड डू देयर बिजनेस इनटू द रूरल मार्केट। नेक्स्ट इज इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, भैया पहले कोई भी बिजनेस में जाना नहीं चाहता था, नोबडी वांट टू गो एंड सेल देयर कमोडिटीज, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होती थी ना, रोड्स वेर नॉट कनेक्टेड टू द रूरल एरियाज, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ऑल द विलेजेस आर कनेक्टेड टू द मेन मार्केट, कह लीजिए या सिटी को क्या हो गए, आज कनेक्ट हो चुके हैं, सो इट इज वेरी इजी टू सप्लाई द कमोडिटीज इन टू द रूरल एरियाज, तो इससे क्या हो चुका है, कंपनी के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड सेल देयर कमोडिटीज इन टू द रूरल मार्केट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो बहुत सारी कंपनीज इसको क्या करना चाहते हैं, लोग टैप कर अपने प्रोडक्ट सेल कर अपना प्रॉफिट लेवल ऊपर लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास कह सकते हैं आप लोग कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो, आई होप यू माइट हैव गॉट यू नो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दिस रूरल मार्केट इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं इसको, जिसको मैंने इस वीडियो में कंटिन्यू करो चैनल को देखना, होपफुली आई विल अपलोड अ वेरियस वीडियोस ऑन दिस चैनल, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।